के महीने में भोले बाबा को जल, गंगा जल जो है वो बहुत पसंद है। इस वक्त हम हैं सुल्तानगंज में, सुल्तानगंज गंगा किनारे, गंगा किनारे जो सुल्तानगंज है यहीं से लोग अपने कांवर में जल भरकर बैजनाथ धाम जाते हैं, बाबा भोले शंकर को अपना जल अर्पण करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने को मांगते हैं। मनोकामना जो है वो मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से अपनी इच्छा को मांगते हैं। आप भक्तों का जो हुजूम है इस गंगा नदी में, आप गंगा नदी के किनारे देख सकते हैं कि गंगा का जल, जो पवित्र जल गंगा का होता है, वो पवित्र जल उठाने के लिए लोग अपने कई देश के कई कई अलग अलग राज्य, अलग अलग जिला से यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ से अपने गंगा का पवित्र जल अपने साथ लेकर, जो बाबा का जो देवघर का जो नगरी है वो 105 किलोमीटर का दूरी तय करके देवघर, झारखंड के देवघर में बाबा पहुँचते हैं और वह भगवान का जल अर्पण करते हैं। हमारे साथ यहाँ पंडित जी हैं, पंडित जी से भी कुछ बात करेंगे। बोलिए, यहाँ जो मंदिर का गति है वो कितने सालों से, मतलब क्या है कि बहुत सालों से इस यहाँ पर जो है, पहले रामचंद्र जी जल भर के गए थे, उसके बाद यहाँ पर जंगिरा मुनि, जो गंगा जो वहाँ से बहती हुई आई, सो जंगिरा मुनि तप कर रहे थे और जब करते करते जब गंगा सोची गंगा माँ उसको भसा के ले जाएंगे, तो वो जो है गंगा माँ को अपने मुख से 3 चूरू में पी लिए। और इसके बाद वो बोलता है कि गंगा माँ को अगर हम पेशाब के द्वारा निकालते हैं तो वो जो बोलता है कि वो मूत्र के समान हो जाएगा, और इस मुँह से निकालते हैं तो जूठा हो जाएगा, और उसको जो है हम तब उस गंगा माँ को अपने जांग को फाड़ कर गंगा माँ को इसको निकाला गया है यहाँ का, इसीलिए इसका नाम उत्तर वाहिनी गंगा पड़ा। हाँ, यहाँ भी अजगैबीनाथ का वो क्या प्रभाव, अजगैबीनाथ का एक पंडित था, वो रोज सावन में पैदल जब आता था और लेके जाके वहाँ के बाबा धाम में चढ़ाया गया था। बस एक दिन उसको भोला बाबा ने सपना दिया कि हम जो आप इतना पंडित जी जो अति करते हैं यहाँ पर, सो आप वहीं पर हम अजगैबीनाथ धाम के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध होगा, और जो सुबह 4 बजे जो जल यहाँ पर चढ़ाएगा अजगैबी धाम में, 4 बजे सुबह हम उसी मंदिर में विराजमान होंगे बाबा बैजनाथ में। तो ये थे बाबा हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि क्या यहाँ से मान्यता है, क्यों लोग इस गंगा जल को यहाँ से लेकर पैदल देवघर जाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बाबा का यहाँ जल ले जाने की जो प्रक्रिया थी वो यहाँ राम, भगवान राम ने ही शुरुआत की थी। भगवान राम के द्वारा इस गंगा जल को लेकर पैदल रथ की पैदल यात्रा करते हुए वह देवघर तक पहुँचे और भगवान को अपना जल अर्पण किया। उसके बाद से ये प्रचलन चालू हुआ है। हमारे साथ एक और पंडित जी हैं, वो भी कुछ बता रहे थे कि क्या कह रहे थे बाबा। यहाँ से बाबा अजगैबी स्वयं जैसे जल उठा कर करके गए थे बाबा बैजनाथ को चढ़ाने के लिए, और साथी लोग जो रास्ते में थे सभी आदमी थे, लेकिन जैसे सुइया पहाड़ के निकट में जाने के बाद वहाँ पर में बाबा सब यात्री उनको छोड़ दिया, और जैसे एक क्या कहते हैं जो रास्ता में पशु जो है हकार पार कर करके रो रहा था प्यासे पानी के बगैर, उस जगह पर में बाबा अजगैबी उनको खोल कर करके अपना कलश रख करके और जल उनको ढारना शुरू कर दिए। प्यासे को पहले पानी देंगे तब बाबा वहाँ पर में मिलेंगे। जब यहाँ पर में जल उनको देना शुरू किए कि बाबा साक्षात हो गए, और उसी जगह बाबा अजगैबी को पहले वरदान दिए, अजगैबी पहले तुम्हारा वहाँ पर में पूजा होगा, उसके बाद जैसे हमको यहाँ पर में पूजा होगा, तुम्हारा नाम पहले होगा पुकार, बाबा अजगैबी नाथ की जय हो, तब हमारा होगा बाबा बैजनाथ की जय हो। तो ये थे बाबा अजगैबी नाथ का यहाँ से मान्यता, जो सबसे पहले इन्होंने बताया कि बाबा अजगैबी नाथ यहाँ से सबसे पहले जल लेकर चले थे, और उसके बाद से ही जो यहाँ नज़दीक में बाबा अजगैबी नाथ का जो मंदिर है वो मंदिर स्थापना हुआ, और वहाँ भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो भी स्थापित किया गया था। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आप को हम लगातार इस कांवर यात्रा को दिखाते रहेंगे, और इस तरह
कांवर यात्रा को दिखाते रहेंगे और देवघर तक का जो यात्रा है पैदल यात्रा, उस यात्रा को भी आप दिखाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। स्ट्रीट वाज जयंत कुमार, रांची।